मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का जो लेक्चर है, आज मैं उत्तराखंड पटवारी के बारे में आपको समस्त जानकारी दूंगा। उत्तराखंड पटवारी का फॉर्म आप किस तरह से भर सकते हैं, आपके मन में जो उठने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। देखिए, उत्तराखंड पटवारी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुल 513 वैकेंसीज के लिए 513 वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन का पहला प्रश्न ये है, जो पहला प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा कि इसकी लास्ट डेट कब तक है। देखिए, ये फॉर्म की जो शुरुआत हुई थी, विज्ञापन की तारीख 17 जून को विज्ञापन आया था और इसकी जो अंतिम तारीख है, 5 अगस्त। देखिए, 5 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा की शुल्क जमा करने के लिए 7 अगस्त तक का समय आपको दिया गया है। यानी कि फॉर्म आप 5 तारीख तक भर सकते हैं और परीक्षा का जो फीस है, उस फीस को आप जमा कर सकते हैं 7 अगस्त तक। देखिए, यहाँ परीक्षा की भी अनुमानित तिथि बताई गई है, जो परीक्षा लिखित परीक्षा हो सकती है, लगभग नवंबर 2021 में इसकी परीक्षा हो सकती है। अब देखिए, यहाँ दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। एक निकाली गई हैं जो जनपदों के अंतर्गत निकाली गई हैं, समूह गय की भर्ती राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी की, और एक निकाली गई हैं राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल की। तो इसमें दो वैकेंसी हैं, एक राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी हैं और इसकी 366 वैकेंसी हैं, और एक है राजस्व लेखपाल, और राजस्व लेखपाल के अंतर्गत 147 भर्तियां दी गई हैं और कुल 513 भर्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया है। आप 5 अगस्त 2021 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। अब यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये होगा कि हम इसका फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने में थोड़ी समस्या आपको ज़रूर आ रही होगी। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको उत्तराखंड का OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक फिल करना होगा। ये अनिवार्य है। अगर आपने OTR का फॉर्म नहीं भरा तो आप उत्तराखंड जो UKSSC है, आप UKSSC का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, है ना। तो उत्तराखंड में कोई भी फॉर्म भरने के लिए, आयोग का कोई भी फॉर्म भरने के लिए, आपको OTR में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपने OTR का प्रोफाइल नहीं भरा है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो पटवारी का फॉर्म भरने से पहले, लेखपाल का फॉर्म भरने से पहले, आप पहले OTR का फॉर्म भरेंगे और OTR का फॉर्म भरने के बाद तब आप लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न जो उठना चाहिए, दूसरा प्रश्न देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो भर्तियाँ हैं ये जिला बोर्डों के अधीन हैं, यानी कि ये जिला वाइज वैकेंसी दी गई हैं। लेकिन अभी आपको कोई ज़िला सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ज़िले आपको मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। इन ज़िलों के लिए मेरिट बनेंगी, वो बाद का विषय है, जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा दो स्टेप में होगी। एक परीक्षा के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, लिखित परीक्षा होगी, और एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि PT होगा, जिसके अंतर्गत फिजिकल यानी कि रेस होगा, जिसमें माप तोल होगी और रेस होगा। देखिए, परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्प प्रकार की परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। परीक्षा दोनों प्रकार के, दोनों माध्यम से भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो ध्यान देना है कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, यह आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, विज्ञापन हमारे पास है और वैकेंसीज हमारे पास हैं, तो इस पर जिक्र करने की कोई आवश्यकता है नहीं है। अब देखिए, मैं वेतमान की बात यहाँ करूँगा, इसका जो वेतन है, वेतन कितना है। देखिए, वेतन 29,200 से
92,300 लेवल 5 की नौकरी है। आप जो नई पे मैट्रिक्स है उस पे मैट्रिक्स के हिसाब से देख सकते हैं कि लेवल 5 में कितना सैलरी बनती है। अगर आयु की सीमा आयु की बात की जाए तो आयु आपकी 21 वर्ष से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। और देखिए यहाँ योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यताओं के लिए कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे और प्रश्न ये था कि इसके लिए ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं, या ट्रिपल सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए ट्रिपल सी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई भी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ अगर शारीरिक दक्षता की बात की जाए तो 60 मिनट में आपको 7 किलोमीटर की रेस लगानी है और महिलाओं के लिए ये 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर, 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की रेस महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर की रेस यहाँ आपको लगानी होगी लेखपाल बनने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ अगर शारीरिक मानकों की बात की जाए तो न्यूनतम हाइट 1.68 होनी चाहिए। 1.68 हाइट के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं और महिलाओं के लिए जो लंबाई चाहिए वो 1.52 सेंटीमीटर चाहिए। देखिए 5 सेंटीमीटर की छूट जो होगी, जो पर्वतीय लोग हैं उन पर्वतीय लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। सामान्य लोगों के लिए हाइट 1.68 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 1.52 होनी चाहिए। और सीना, जो सीना फुलाव के साथ होना चाहिए, देखिए न्यूनतम होना चाहिए 84 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अवश्य होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के लिए भी, ये सीने के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो अनिवार्य है, लेकिन जो पर्वतीय लोग हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें भी दी गई है। देखिए महिला अभ्यर्थियों का जो कम से कम वजन होना चाहिए वह 45 किलोग्राम होना चाहिए, 45 किलोग्राम से वजन कम मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा 100 नंबर की परीक्षा होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा होगी, 120 मिनट की परीक्षा होगी और 120 मिनट की परीक्षा में हिंदी आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य अध्ययन, देखिए जीके आएगा, जीएस आएगा और सामान्य हिंदी आएगी। ये हमारे पास यहाँ सिलेबस होगा कुल, और ये सिलेबस है पटवारी के लिए। अब देखिए अब हम देखते हैं, देखिए सेम टू सेम लेखपाल के लिए भी यही प्रक्रिया है। लेखपाल के लिए देखिए 21 वर्ष से, दो अलग अलग वैकेंसीज हैं, एक पटवारी की है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी और एक राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल की है। तो यहाँ देखिए इसका लेवल सेम टू सेम 5 लेवल पे है, 21 से 35 वर्ष की आयु यहाँ चाहिए और देखिए यहाँ स्नातक होना चाहिए, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ रेस की अगर बात की जाए फिजिकल की, तो फिजिकल भी लगभग एक जैसा ही है। यहाँ देखिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर, सॉरी थोड़ा चेंज है, यहाँ 60 मिनट में 9 किलोमीटर चाहिए और 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ चाहिए। देखिए दौड़ बढ़ गई, जो राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी है उसमें रेस कम मांगी गई है और जो राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल है उसमें 60 मिनट में 9 किलोमीटर की रेस यहाँ मांगी गई है। तो ये हाइट वही 1.68 पुरुष के लिए, 1.52 महिलाओं के लिए, महिलाओं का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम से जो है कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर परीक्षा की बात करी जाएगी तो इसके लिए भी लिखित परीक्षा होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न शामिल होंगे। देखिए लिखित परीक्षा की अगर बात की जाए तो लिखित परीक्षा के लिए कुछ मानक दिए गए हैं और यहाँ आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे, जैसे कि निगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सारा डाउट आपका यहाँ क्लियर होगा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ OBC के लिए 45% का परसेंटेज होना चाहिए पास जो माना जाएगा और 35
अंक लाने अनिवार्य होंगे एससी एसटी कैटेगरी के लिए। और देखिए एक बटा चार की यहाँ निगेटिव मार्किंग होगी, एक बटा चार की निगेटिव मार्किंग होगी। ओएमआर यानी कि कंप्यूटर बेस भी एग्ज़ाम हो सकता है, सिंपल एग्ज़ाम भी हो सकता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये विज्ञप्ति में आपको पहले ही बता दिया गया है। आयु की गणना की अगर भी बात की जाए तो आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, 1 जुलाई 2020 से आयु की गणना होगी। तो देखिए फीस की अगर बात की जाए तो फीस सामान्य वर्ग के लिए उत्तराखंड के ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपये है, उत्तराखंड के अनुसूचित जाति एससी के लिए 150 रुपये, एसटी के लिए 150 रुपये है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 150 रुपये यहाँ दिया गया है। देखिए आपको फॉर्म भरने से पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा और ओटीआर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आप ओटीआर नहीं करेंगे, ओटीआर में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप ये फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो आपके मुख्य प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यहाँ ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस आपको पता लग गई होगी, आयु की गणना कैसे होगी, आयु की गणना आपको बता दी, परीक्षा के बारे में आपको बता दिया, लगभग समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो गई होंगी। धन्यवाद।